नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। कहते हैं तोल मोल के बोल, लेकिन चुनावी संग्राम है, लिहाजा नेता कुछ भी बोल देते हैं और नेताओं के वही बोल कभी कभी सेल्फ गोल में तब्दील हो जाते हैं। चुनावी हवा में कहीं 21 रुपए वाला लिफाफा उड़ रहा है तो कहीं अकबर को भगाने की बातें हो रही है। विरोधी पार्टियों के नेता चुनाव का दरवाजा खटखटा रहे हैं और चुनाव आयोग भी बयानवीरों पर सख्त है। दान पर सियासत हुई तो बीजेपी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की शिकायत कर दी और चुनाव आयोग ने प्रियंका को कारण बताओ नोटिस थमा दिया। उधर छत्तीसगढ़ में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के एक बयान की कांग्रेस ने शिकायत कर दी तो चुनाव आयोग ने हिमंता शर्मा को भी नोटिस थमा दिया। एक दूसरे को नोटिस दिलाने की कॉम्पिटिशन चल रही है, फिर भी सवाल यही है कि बंद लिफाफे से आखिर मुनाफा किसका होगा और क्या दान पर सियासत से प्रियंका गांधी की आफत बढ़ेगी। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और उन्होंने वो बक्सा खोला तो उस लिफाफे में से क्या निकला? 21 रुपए निकले। कि भाई क्या प्रियंका गांधी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से भी ऊपर है क्या? प्रियंका गांधी द्वारा बार बार इसका जिक्र करने से मंदिर की भावना को आहत हुई, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पूजा कपिल जी हैं और साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजय शर्मा जी भी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का बिग फाइट लाइव में। कुछ ही देर बाद हमारे साथ आरसी चौधरी जी भी जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत पूजा कपिल जी आपसे ही करते हैं। ये क्या कॉम्पिटिशन चल रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ बयान दो, इसके बाद जाके मामला दर्ज करा दो, शिकायत कर दो ईसी में और इसके बाद नोटिस थमा दिया जाता है, क्या माने ये शुरुआत है? क्योंकि लिफाफे को लेकर प्रियंका गांधी ये बात अपने संबोधन के दौरान बार बार जिक्र कर रही हैं और इधर आप लोगों की भी प्रतिक्रिया आ रही है। देखिए श्वेता जी, कांग्रेस झूठ फरेब पाखंड पता इसी उनकी प्रियंका जी की बात से चल रहा है। पहली बात, कोई लिफाफा नहीं डाला था, ये मंदिर ने बता दिया, ये आपके मीडिया के माध्यम से पहले भी ये चीज बताई जा चुकी है। दूसरी बात, लिफाफा डाला नहीं, उस लिफाफे में कितने रुपए थे क्या थे, प्रोपेगंडा करना, कांग्रेस हमेशा से झूठ के दम पर चलती आई, प्रोपेगंडा के दम पर चलती आई है, ये इस चीज से प्रूव होता है। और चुनाव में आकर कांग्रेस को इससे क्या फायदा हो? चुनाव में आकर जिस चीज को वो जताना चाह रही है उनको शायद पता नहीं, उन्हें अभी सनातन संस्कृति को जानना होगा, उन लोगों ने प्रदेश में क्या आया है ये उन्हें बेहतर पता है। सांप्रदायिकता के नाम पे, तुष्टिकरण के नाम पे, पहली बात तो सनातन धर्म में उन्होंने लिफाफे में क्या डाला, कैसे डाला, कितना डाला। हमारे यहाँ दान पेटी का ही मतलब ये होता है कि वो अपने मन से, अपने भाव से, अपनी श्रद्धा से, चाहे कोई एक रुपए का करे, चाहे वो एक करोड़ का करे, चाहे वो एक लाख का करे, ये उसका अपना मुद्दा है। ये झांकने वाली बात है। अब इन्हें प्रधानमंत्री जी के खिलाफ में कुछ नहीं मिल रहा तो लोगों को लुभाने के लिए इन पर एक नया जाल है। काम इन्होंने कराए नहीं, विकास इन्होंने कराए नहीं, केवल प्रोपेगंडा की राजनीति, युवाओं को ठगा, महिलाओं को ठगा, किसानों को ठगा, दलितों को ठगा। तो अब ये आके पहले इनके भैया झूठ बोल कर गए किसानों को ठगकर, और उसके नाम पर वोट लेकर इन्होंने राजस्थान की जनता को बरगलाया कि सारे किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, और आप गवाए आज किसान के कर्ज तो माफी छोड़ो, आज आत्महत्या करें, उनकी जमीन कुर्की जा रही है। अब उनकी बहनें नए रूप रंग में ये लेकर आई हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पर ऐसा आरोप छिछलापन, ये छिछलापन से कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो कहा अकबर को लेकर आ गया वो अपने बयान में, अब उसके खिलाफ ईसी में गई कांग्रेस, इसके बाद उन्हें भी नोटिस थमा दिया गया। देखिए, इस पर लगाम नहीं लगाएगी, ठीक है, अगर कांग्रेस कह कारण अगर देखिए ये चुनाव आयोग बीजेपी से कोई नहीं बोल रहा है, ये चुनाव आयोग का काम है, जब उनको ये शिकायत की गई है नोटिस दिया गया अपना जवाब दें। अब उसको भी लेके कांग्रेस को ये दर्द हो रहा है कि ये राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये सियासीकरण किया जा रहा है, आप देश के प्रधानमंत्री के साथ में इस तरह की बातें झूठ के आधार पर, आप पुजारी जी आकर कह रहे हैं उस मंदिर के, अरे देवनारायण भगवान के मंदिर में वो आए वो गए, आप चले जाओ, आपको किसने रोका, आप कितना दान दे तो नहीं, तो हम दान पेटियों में झांकने वाले लोग नहीं है, लेकिन इस निकृष्टता पर नहीं उतरना चाहिए कि दान की पेटी ये श्रद्धा का, ये भाव का, ये भावना का विषय, आप इसमें भी झांको। और रही जिस संदर्भ में लिफाफे के, लिफाफे की राजनीति कांग्रेस में चलती रही होगी श्वेता जी, हमारे यहां लिफाफे की राजनीति नहीं है, तो उन्हें लिफाफा ही शब्द याद आया, जबकि लिफाफा नाम की कोई चीज ही नहीं थी, कोई वो नहीं था, जो भी डाला उन्होंने अपनी श्रद्धा से, वो जो डाला वो प्रधानमंत्री जी जाने, उनका अपना मन जाने उन्होंने क्या डाला, तो निश्चित तौर पे ये खाली लिफाफा या जिस लिफाफे की वो बात करें, लिफाफा राजनीति हो जाने, ये उनका काम है। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे कि इसे लेकर राजनीति हो रही है, लेकिन आरसी चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीसीसी महासचिव, स्वागत है आरसी जी आपका। सवाल ये कि अब दान पर सियासत हो रही है, जो बंद लिफाफे पर संग्राम हो रहा है, एक तरफ तो प्रियंका गांधी ने जो कहा उसे लेकर ईसी में शिकायत जाके बीजेपी तरफ से की गई,
छत्तीसगढ़ में हिमंता शर्मा विश्व शर्मा ने कहा तो उसे लेकर शिकायत इसे भी की गई कांग्रेस के अंदर, दोनों को नोटिस थमाया गया है। सवाल ये कि क्या इससे फायदा है, क्या इससे प्रियंका गांधी को कोई फायदा है, कांग्रेस को कोई फायदा है, क्यों बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया जा रहा है, जैसा कि अभी पूजा कपिल जी ने भी कहा। श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि 28 जनवरी 2023 1111वां अवतरण दिवस के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भव्य कार्यक्रम था और जिस प्रकार से वो दंडवत प्रणाम कर रहे थे और जिस प्रकार से वो दान पत्र के अंदर लिफाफा डाल रहे थे और उसके तमाम जो लिफाफे के विजुअल थे वो मीडिया पे आ रहे थे, जब इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी के लिए हो सकता है जिसमें अरबों रुपये खर्च होते हों, तो हर किसी को उम्मीद होती है कि दान पात्र के अंदर जो फकीर हो वो निश्चित रूप से झोली उसकी भर के जाएगा। और वो तमाम मीडिया ने दिखाया और मीडिया भी जो खबरें दिखाते हैं मीडिया पे आप खुद चलाते हैं और कहते हैं कि इस खबर की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो मानस पटल पे जो चीजें होती है उसकी कही जाती है। जब दान पत्र पेटी खुली गई तो जो उम्मीदें थी वो ध्वस्त हो गई और प्रियंका गांधी जी ने इसी बात का जिक्र किया कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता के जो उम्मीदें थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ध्वस्त की। 7 जुलाई 2018 का दिन हमें याद है, 6 अक्टूबर 2018 का अजमेर का दिन हमें याद है। ईआरसीप को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, राजस्थान के 8 करोड़ जनता को क्या मिला? 2 बार 25 सांसद दिए, उनके लिफाफे में क्या था? जो घोषणाएं थी वो खोखली थी, जिस प्रकार से लिफाफा था। लेकिन आशीष जी, एक सवाल ये भी उठता है, बिल्कुल आप बहुत सारे अलग अलग मुद्दों का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि चुनाव का वक्त है, 1 महीने से भी कम वक्त है जब यहाँ पर वोटिंग करने राजस्थान की जनता जाएगी। प्रदेश में आप लोग ने 5 साल काम किया, आप सरकार रिपीट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब क्या यही एक अहम मुद्दा रह गया है जिस पर सवाल उठाया जाए, बात की जाए? क्योंकि प्रियंका गांधी ये बोल रही है, वहां से नोटिस भी आ जाता है, इसके अलावा ऐसा नहीं कि बीजेपी की तरफ से कोई नहीं कह रहा है, हिमंता शर्मा विश्व शर्मा ने भी यही बात कर रहे हैं। लिफाफे पे तो बात ही नहीं रही, बात यहाँ पर यह है कि जो तोल मोल कर बोलने की बात कही जाती है चुनाव के वक्त में, बहुत ही एहतियात बरत के बात अपनी रखनी चाहिए। एक दूसरे के ऊपर अगर ऐसे ही छींटाकशी होती रही और इसके अलावा एक दूसरे की तरफ से ऐसी शिकायतें की जाती रही, नोटिस थमाया जाता रहा, तो क्या ये कॉम्पिटिशन चल रहा है? आरसी जी, इससे ज्यादा भी तो जरूरी कुछ हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी में भी ऐसा ही है, और क्या माने ये शुरुआत है बहस? श्वेता, मैं साधुवाद करना चाहूंगा कि आप जैसे प्रखर एंकर हैं और राजस्थान के 8 करोड़ जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी का जो भाषण था, उन्होंने कहा कि आखिर कोई भी जो राजनीतिक दल है जो अब आपके पास में आ रहा है उसका आपके लिए विजन क्या है? क्या वो अपनी सत्ता की कुर्सी चाह रहा है या 8 करोड़ जनता का जो भविष्य है वो देख रहे हैं? आपके बच्चों का भविष्य क्या है, किसान का भविष्य क्या है, युवा का भविष्य क्या है, सैनिक का भविष्य क्या है, इन सब का उन्होंने जिक्र किया था। और जिक्र करके जब उन्होंने बातें की तो आज राजस्थान की जनता ने 25 सांसद लगातार 2 बार जिता के भारतीय जनता पार्टी को दिए और दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर है, तो दोनों का जो लेखा जोखा रखा और दोनों की जो बातें कही कि एक तरफ राजस्थान की सरकार आपको कानूनी अधिकार देती है कि स्वास्थ्य का अधिकार आपको कानूनी तौर पर मिलेगा, गिग वर्कर्स को अगर सुरक्षा का एक अधिकार देती है, यहाँ पे शिक्षा चिकित्सा और सुरक्षा की जब गारंटी देती है, सरकार 10 गारंटियां दे रही है, 7 आने वाले समय की दे रही है, जहां पे केंद्र की सरकार ने 410 रुपए में, आप और सब जानते हैं गैस का सिलेंडर होता था, भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियां इन जैसे ही मुखर है वो सिलेंडर लेके बैठती थी, कहा कि बहुत ही महंगाई की मार, वो जब वो गाना गाती थी पीपली पिक्चर का कि सैया तो बहुत कमाते हैं महंगाई डाइन खा जाते हैं, आज वही महिलाएं गाना गा रही हैं सैया की कमाई घटी और महंगाई डाइन ने लूटी, और ये महंगाई जो है वो सरकार की लूट है, केंद्र सरकार की। आज 1200 रुपए का गैस का सिलेंडर है, महिला की जो बचत थी वो लूट ली। आखिर उसके सपनों पर प्रहार करने वाले देश के प्रधानमंत्री जी से अगर प्रश्न पूछना गुना है तो ना प्रियंका गांधी, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पूछेगा कि राजस्थान को केंद्र की सरकार ने क्या सौगात दी। यह विचलित होना भारतीय जनता पार्टी का स्वाभाविक है, क्योंकि जब जब भारतीय जनता पार्टी से मुद्दों पे चर्चा की जाएगी तो वो डायवर्जन की पॉलिटिक्स करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उन तमाम संवैधानिक संस्थानों को प्रयोग करेगी ताकि मुद्दों पे चर्चा ना हो। जब राजस्थान की सरकार गारंटी की सौगात देती है तो ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी है वो ईडी को भेज देती है, किसी दूसरी एजेंसी को भेज देती है। हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, आपने किसान की आमदनी दुगुनी करने की बात कही थी, क्या हुआ? ठीक है, आपने महंगाई को खत्म करने की बात कही थी, बिल्कुल सवाल करिए और सवाल करना भी चाहिए। अब मैं बीजेपी भी प्रदेश सरकार से सवाल करे, इस प्रदेश के 70,000 युवा सपनों को कुचले बैठे हैं, सवाल देश को जो करना चाहिए, देश के जो युवा हैं, आपने पेपर ली
लिख दिए हैं, आपने क्या कार्रवाई की, आप बताइए आपके प्रदेश अध्यक्ष के रिश्तेदार आरपीएससी के चेयरमैन कैसे बन जाते हैं? ठीक है, पूछने लगे आरपीएससी जी, आपने सुरक्षा के नाम पे महिलाओं को लगातार 3 साल से आप बलात्कार में नंबर 1 प्रदेश है, यहाँ बताइए 35,000 महिलाओं जी। देखिए हम इस पर बिल्कुल बात नहीं कर रहे, आप लोगों के सवाल मुद्दे एक दूसरे पर उठाना जायज है, बिल्कुल आप बताइए क्या सवाल, लेकिन ये मंच नहीं, ये मंच नहीं, आज ये मुद्दा नहीं है, आज ये मुद्दा नहीं है, नहीं नहीं, पूजा कपिल जी इस पर पहले भी बातचीत हो चुकी है, पहले भी बातचीत हो चुकी है, मुद्दे बहुत सारे चर्चा के, लेकिन आज मुद्दे पे बात करें, नहीं मुद्दे के बाद संजय शर्मा जी हमारे साथ है, संजय शर्मा जी भी हमारे साथ है, संजय जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। संजय शर्मा जी सवाल है कि ये जो चुनावी बोल है क्या ये सेल्फ गोल है, क्योंकि चुनाव के वक्त में और ज्यादा अलर्ट होकर बोलने की जरूरत होती है, लेकिन ऐसे वक्त में हम देखते हैं कि यहाँ पर शब्दों की मर्यादा भी खो दी जाती है, एक दूसरे पर सवाल उठाए जाते हैं, उसे झूठ करार दिया जाता है, फिर उसे लेकर नोटिस, उसे लेकर कंप्लेन, इसके भी कॉम्पिटिशन चलते हैं, और कई बार शब्दों का भी ख्याल नहीं रखा जाता है। लेकिन क्या अभी जो नजर आता है, फिर हम चाहे छत्तीसगढ़ में की बात कर लें या फिर राजस्थान की बात कर लें, जहां पर बीजेपी का कोई बड़े चेहरा हो या फिर कांग्रेस का चेहरा हो, ये क्या अभी शुरुआत है, क्या इसे मैं शुरुआत माना जाए, जब 25 तारीख को वोटिंग होनी है और उससे पहले तक लगातार प्रचार प्रसार होंगे, लगातार सभाएं होंगी और हमें सुनना भी होगा सभी को, तो क्या ये महज शुरुआत है? जी, इसे हमें कई तरह से देखने की जरूरत है। पहली तो ये होती है कि एक चुनाव जो वोटर साइकोलॉजी स्टडीज बताती है वो ये बोलती है कि तर्क की बजाय हमारा जो चुनाव है संजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही, क्योंकि मुझसे सुना हुआ आवाज आ रही है। हेलो जी, जी 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 संजय जी बात रखिए। मैंने नारे सुने हुए हैं, अब की बार मोदी सरकार एक तरह की भावना वो उससे जागृत हुई। मुझे कफन चोर जॉर्ज फर्नांडिस के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से नारा लगता हुआ देखा है, मैंने बोफोर्स के नारे लगते हुए देखे हैं, मैंने गली गली में शोर इंदिरा गांधी चोर इस तरह के नारे लगते हुए देखे हैं, जिनमें सत्य असत्य की सवाल नहीं रहते। अब सवाल आता है कि अगर हम ये मुझे ऐसा लगता है प्रियंका गांधी जी ने जानबूझ के कैलकुलेटेड एक चाल फेंकी है कि क्या लिफाफेबाजी जो मुहावरा है उसको चुनाव का मुद्दा बनाया जा सकता है, क्योंकि जैसे कि हमेशा जो दल होते हैं वो कोशिश करते हैं एक दूसरे के तथ्यों को काट सके और उसे झूठा सिद्ध कर सके, जैसे बीजेपी कांग्रेस के बारे में कुछ बात कहेगी, कांग्रेस बीजेपी के बारे में ऐसी बात कहेगी, तो एक तथ्य तो ये है। दूसरा तथ्य अगर मैं और तरह से कहें तो निश्चित तौर पर भाषा में एक मर्यादा होना बहुत जरूरी है, हमारे संविधान की आत्मा को समझते आप किसी को डिफेम नहीं करें। इस केस में कुछ कुछ मुझे लगता है कि अगर ये बात सही नहीं है कि वो 21 रुपए थे या नहीं थे या कैसे पता लगा। फिर एक और दूसरा विषय भी है कि जब दान के मामले, गुप्त दान के मामले को हमने कभी नहीं सुना कि पब्लिक किया जाए, इवन हमारे मीडिया के दोस्तों ने अगर कर दिया तो मुझे लगता है वो उनकी गलती थी अगर इस तरह की बात उन्होंने की, और सच है भी नहीं। उन्होंने प्रियंका जी ने भी बोला था मुझे नहीं पता, ऐसा मैंने कोई खबर देखी है सही है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने उसको इस्तेमाल किया एक लिफाफेबाजी मुहावरे के में कन्वर्ट करने के लिए। तो मुझे लग रहा है क्लासिकल चुनावी रणनीति का हिस्सा है और बीजेपी इसको समझ गई जल्दी, इसीलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने विरोध किया। बाकी हेमंत विश्व शर्मा तो एक तरह से कुख्यात हैं ऐसी बातें करने के लिए। तो आउट ऑफ टर्न बहुत कुछ बोलते हैं, उनको तो रोक नहीं पाया कोई चुनाव आयोग, मतलब आप देखें चुनाव बहुत सारे चुनाव में बहुत कुछ हुआ है लेकिन रोक नहीं पाया चुनाव। लेकिन मर्यादा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि होता क्या है जब वोटर भावुक हो जाएगा तो तथ्यों के आधार पर फैसला नहीं लेगा और हमारा ही समाज का ही नुकसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा कि नुकसान होता है और वोटर्स भी सभी की बातें सुनते हैं, संबोधन होता है, कई चीजें कई भरोसा करते हैं, कई उसके खिलाफ भी हो जाते हैं और पार्टी भी अपनी बात रख सकती है, फिर चाहे कांग्रेस की तरफ से कुछ बोला जाए तो बीजेपी सवाल उठाए या बीजेपी की तरफ से बोला जाए कांग्रेस सवाल उठाए। लेकिन आरसी जी अब देखिए चुनाव का वक्त है और ऐसे कई उदाहरण पास्ट में देखे गए हैं कि कई राज्य ऐसे थे जहां जीतते जीतते भी बस एक दो नेताओं के ऐसे बड़े वचन मुंह से निकले और इसके बाद तस्वीर कुछ और ही बदल गई। इस मामले में क्या कहेंगे? मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप बीजेपी या कांग्रेस कौन सही कौन गलत, लेकिन ये जो सवाल है वो हर चुनाव के दौरान उठता है। श्वेता जी मैं कहना चाहूंगा जिस प्रकार संजय शर्मा जी ने कहा कि जो चुनावी जो नैरेटिव बन रहा है, चुनाव में राजस्थान की जो जनता केंद्र की सरकार से प्रश्न पूछ रही है 10 साल में आखिर राजस्थान की जनता को क्या मिला,
ये पर्सन भारतीय जनता पार्टी को बेचैन करता है। जिस प्रकार से प्रियंका गांधी जी ने जब भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि ये जो राजस्थान की धरा है, जो सेकावटी की धरा है, वो सैनिक की, किसान की, महिला की, उद्योगपति की, सूर्य की, शक्ति की, भक्ति की, गंगा जमुना तहजीब की धरती है। ये धरती वो है जहां पे चंचल नाथ के टीले पे कबाली होती है और कमरुद्दीन की दरगाह पे गीत गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सांप्रदायिक दंगे होते हैं, विभाजन की राजनीति, दंगों की राजनीति करने वाले ये प्रेम बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का, पूजा कपिल जी का, कि इन्हें विभाजन की राजनीति राजस्थान की जनता ये नहीं चाहती है। उसके मुद्दे क्या है, प्रधानमंत्री ने क्या दंगे कोई सरकार को नहीं करवाती, दंगे सरकार नहीं करवाती, कोई भी सरकार हो वो दंगे नहीं करवाएगा। अपने राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़े वो कोई नहीं चाहेगा, बीजेपी की सरकार हो तब भी नहीं। नेताजी कानून व्यवस्था लेकिन लेकिन पूजा जी पूजा जी एक मिनट आरसी जी आरसी जी चर्चा यहाँ पर हम ये भी नहीं कर रहे कौन सी योजना है, किसने क्या विकास किया, इस पर बात ही नहीं हो रही। बात तो यहाँ पर ठीक है, आपने प्रियंका गांधी का जिक्र कर दिया, प्रियंका गांधी ने ये कहा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बिल्कुल ठीक है, आप जवाब दे चुके, लेकिन लेकिन सवाल ये है बताना होगा हिमंता बिस्वा सरमा को लेकर भी तो कुछ कह दीजिए। अकबर को लेकर उन्होंने जो बयान दिया कि अगर अकबर को नहीं भेजा गया तो माता कौशल्या की भूमि अपवित्र हो जाएगी, इस तरह के जो दिए, ये उस पर भी तो आप कुछ कहिए कि बीजेपी के नेताओं को क्या सब कुछ अलाउ है, सब परमिशन है, जो गलत कहेगा उसका विरोध करेंगे ना आप लोग। पार्टी कभी भी अमर्यादित भाषा किसी के लिए ना करने के उसके लिए कोई पुरस्कार वहां मिलता है और ना कभी ये इस तरह का प्रोत्साहन मिलता है। अगर इस तरह की जो भी बयानबाजी होती है तो डेफिनेटली उनसे उसका अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होती है और जवाब भी मांगा जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अमर्यादित भाषाओं का उपयोग करना या इस तरह के नेताओं को प्रमोट करने का ऐसा कभी भी भारतीय जनता पार्टी तो आप ये तो मानती हैं कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी सबको ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल सबको ध्यान रखना चाहिए। मैं ऐसे किसी भी वक्तव्य का, किसी के भी गलत वक्तव्य का, वो चाहे वो हमारी पार्टी हो चाहे किसी और की पार्टी हो, किसी भी वक्तव्य का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं अगर वो अमर्यादित है, उसकी भाषा संसदीय नहीं है तो। श्वेता जी, और ये किसी को नहीं करनी चाहिए, भारत के किसी भी नागरिक को किसी के लिए नहीं करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, बंद लिफाफे पर अगर संग्राम हो रहा है और प्रियंका गांधी ने कहा और आप लोग ने शिकायत कर दी, इसके बाद ये मुद्दा आपको लगता है खत्म हो जाना चाहिए, अब फोकस चुनाव पर होना चाहिए, इसके बावजूद भी बीजेपी अभी चुनाव में है। श्वेता जी, इन पे मुद्दे नहीं है, इन पे काम नहीं है। क्या तो ये गिनाए महिलाओं के लिए, क्या गिनाए जिन योजनाओं की बात करें, रैपिंग पैकिंग करके आयुष्मान भारत इस विश्व की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी सबसे बड़ा सिलेंडर पे बात कर रहे हैं, जिस पर बात कर रहे हैं, बिजली महंगी यहाँ है, पानी की किल्लत यहाँ है, मैं बेसिक चीजों की बात कर रही हूँ, युवा बेरोजगार घूम रहा है। अरे जिस हिमाचल, जिस कर्नाटक में ये झूठे वादे करके सरकार लेकर आए, आवा 1350 रुपए महिलाओं को मिलते थे, 1500 का वादा किया श्वेता जी, 1350 भी बंद हो गए, 22 लाख को और ऐड कर रहे थे, बेचारी जिन 2200 को भी, जिन 22000 को मिल रहे थे वो भी बंद हो गए। युवा बेरोजगार भत्ता कहां है, ये राजस्थान में बताए ना मैडम, कहां इनकी वैकेंसियां? आरसी जी इस पर एक जवाब दे, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, आरसी जी जवाब दे रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा, सवाल आप कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, जवाब दीजिए, किसानों के साथ क्या वादा किया बताइए, किस तरह? ठीक है आरसी जी, आरसी जी इस पर एक जवाब दे दीजिए, स्वीकार की किसी को भी इजाजत नहीं हो सकती। बेहतर होता है अपने प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता को बताते कि वो ये कहते हैं कि मैं लोगों को कपड़े से पहचान पाता हूँ, ये बताते उन केंद्रीय मंत्रियों को जो ये कहते थे कहो गद्दारों से गोली मारो सालों को चुनावी रैलियों के अंदर, ये कहते उन मुख्यमंत्री को जो कहते थे शमशान और कब्रिस्तान की बात करते थे, ये बेहतर होता देश की संसद के अंदर एक धर्म विशेष का नाम लेके अगर व्यक्ति को इंगित किया जाता है, तो ये विभाजन की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस चीज से विचलित है कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता मुद्दों पे चर्चा करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछना चाहती है, जो 410 रुपए का सिलेंडर महंगा लगता था, ये बताए कि 500 रुपए का सिलेंडर देश के किस नंबर की सरकार के अंदर मिलता है, ये पूछे राजस्थान जैसा रोजगार किस राज्य में दिया है, इनसे पूछे 50 लाख का स्वास्थ्य बीमा किस राज्य में मिलता है, इनसे पूछे आप दोनों से ये सवाल जनता भी करेगी, जनता करेगी, आप दोनों से सवाल करेगी, संजय शर्मा जी इस सवाल के मंच पर चाहिए सर।
एक मिनट पूजा जी बस संजय जी क्लास कमेंट फाइनल कमेंट जी मुझे लगता है शुरुआत में ही ये नजर में आया है हमें भावुकता भरे हुए और खासतौर से ऐसी भाषा जो अमर्यादित हो और जो संविधान की आत्मा के खिलाफ हो उनके बारे में सख्ती से अपने आप भी एक तरह का अनुशासन रखना चाहिए पार्टीज को। अभी तक बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है लेकिन या तो आपस में पार्टीज बैठे इलेक्शन कमीशन दोबारा उन्हें साथ में बैठा के गए क्योंकि ये जनता के हित में आप समझिए जैसा कि मैं पहले भी बोल रहा था जब भावुकता से जनता गलत फैसले लेती है और बाद में खुद को ही भुगतना पड़ता है। एक स्वस्थ डिबेट होनी चाहिए। आज तक लोकतंत्र यहाँ पहुंचा है दुनिया में हमारा उदाहरण दिया जाता है तो उसकी परंपराएं आपको वाजपेयी जी का पता है आपको नेहरू जी का पता है आपको एक संवाद होता था अलग अलग विपक्ष के लोगों के बीच में और राजस्थान की परंपराएं तो बहुत ही खूबसूरत रही हैं। मतलब जब मैं पंजाब में था तो मुझे हरियाणा के जो नेता थे वो उदाहरण देते थे कि हम राजस्थान विधानसभा में इसके पटल पे जो कुछ होता है चलिए वो हमारे लिए आदर्श है वहाँ के राजनीति। बिल्कुल बिल्कुल भाषण ऐसे हो शब्दों का प्रयोग ऐसा हो जो नजीर बने ना कि उन पर सवाल उठे ना कि उसे लेकर शिकायत की जाए ना कोई एक्शन लिया जाए ना नोटिस थमाया जाए। हालांकि चुनाव का वक्त है और चुनावी बोल इसलिए कह रहे कि बोलिए जरूर लेकिन सोच समझ कर अनुशासन में रहते हुए दूसरों को मौका ही मत दीजिए कि सामने वाले के पाले में गेंद जाए और उसके बाद वो आपके ऊपर सवालों की बौछार कर दे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इसके साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।